सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पबजी मोबाइल लाइट अपने स्मार्टफोन में, और बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस गेम के साथ, और साथ में कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स कैसी थी ये गेम। सो हे गाइस, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वॉचिंग अनबॉक्स टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर, या फिर गूगल प्ले स्टोर बोलो आप इसको, गूगल स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है पबजी मोबाइल लाइट, एंड सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा ये पबजी मोबाइल लाइट की गेम, एंड जस्ट आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और मेक श्योर कि पबजी मोबाइल लाइट के नीचे आपका टेंसेंट गेम्स लिखा हुआ हो, क्योंकि ये लिखा है तो मतलब कि ये ऑफिशियल है आपकी। एंड ये हो चुकी है इंस्टॉल, और अभी कर लेते हैं इसको हम ओपन। एंड ये जो गेम है ये बन रखी है उन फ़ोनों के लिए जो फ़ोन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जैसे जिनके अंदर ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, साथ ही साथ में 1-2 GB रैम है उन फ़ोन में, तो उन फ़ोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके ये पबजी मोबाइल लाइट बनाई गई है। और साथ ही साथ में ये जो मैं अभी फ़ोन, जिस फ़ोन पर मैं ये पबजी मोबाइल लाइट चला रहा हूँ, वो है रियलमी U1 और हीलियो का, मीडिया टेक का हीलियो P70 प्रोसेसर मिल जाता है इसके अंदर। और पबजी मोबाइल की बात करूँ तो इस फ़ोन के ऊपर काफ़ी अच्छी चलती है, हाई ग्राफिक्स पे काफ़ी अच्छी चलता है, बिल्कुल लैग नहीं आता इस गेम के अंदर, और पबजी मोबाइल लाइट तो आराम से चली जाएगी इस पर। और जैसे मैंने आपको बताया 1-2 GB रैम के फ़ोन पर भी काफ़ी आराम से चल जाएगी ये गेम। तो जस्ट अभी मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ एज अ गेस्ट, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं खेलूँगा, कि मेरे पास सफिशिएंट फ़ोन है पबजी मोबाइल खेलने के लिए, तो इसलिए अभी इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है। और थोड़ी देर मैंने इसको गेम भी खेली है इस पर, 1-2 मैच खेले हैं मैंने इस पर। और जैसे ही आप इसको लॉगिन वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ में आप यहाँ इंटरफेस देख सकते हो बिल्कुल पबजी मोबाइल की तरह ही है, और साथ ही साथ में यहाँ मैप्स वगैरह भी हैं, और सारे रॉयल पास वगैरह भी आप इधर परचेज कर सकते हो, एंड काफ़ी सारा स्टफ़ है। तो अभी मैं गेम प्ले स्टार्ट कर देता हूँ इसका, एक गेम खेल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको जो डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे। एंड ये रहा इसका मैप का सेक्शन। जैसे आपको पता है कि पबजी मोबाइल जब आई थी तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही मैप था, वो था इरेंगल। उसके बाद इसके अंदर जाके मल्टीपल मैप्स आए, तो आई होप कि इसमें भी यही सीन हो, क्योंकि अभी तक इसमें एक ही मैप दिखाई दे रहा है इरेंगल का। और TPP मोड है, FPP भी नहीं है इसके अंदर अभी। और साथ ही साथ में इसमें मैंने एक और चीज़ मुझे चेंज दिखाई दी इसका मैप, यहाँ पे इरेंगल देख सकते हो काफ़ी छोटा, मतलब उसका छोटा भाई है इरेंगल का। और यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब अलग अलग नाम से, सेम जगह है बट अलग अलग नाम के हैं, जैसे यहाँ स्कूल का नाम रखा गया है स्टेडियम, एंड रिजॉर्ट का नाम रख रखा है डाउनटाउन। तो अभी चलते हैं इसी जगह पे और देख लो मेरा थोड़ा गेम प्ले, और बताता हूँ फिर मैं अपना एक्सपीरियंस, और साथ में इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या सही लगा क्या मुझे सही नहीं लगा, इसके अंदर क्या बेटर हो सकता है। तो जहाँ पे चलते हैं अभी हम डाउनटाउन, मतलब कि रिजॉर्ट। इसकी सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम सेटिंग्स है, बट यहाँ पे आप ग्राफिक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपको जो ग्राफिक्स मिलेंगे वो उसी पे ही आपको खेलना पड़ेगा। और क्या लोगे यार, काफ़ी अच्छा है, मतलब प्लेएबल ग्राफिक है, आप आराम से इस ग्राफिक्स में भी खेल सकते हो, काफ़ी सही चल जाती है। एंड यहाँ पे गन्स वगैरह की बात करूँ तो सारी गन्स आपको मिल जाती है, स्नाइपर मुझे यहाँ पे कम मिली है, आई थिंक मुझे मिली नहीं है स्नाइपर यहाँ पे। और साथ ही साथ में अगर बात करूँ इसके कंट्रोल्स की, कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड व्हीकल्स की बात करूँ तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं अभी तक मुझे वैसे बग्गी नहीं दिखी है, बट मुझे जीप एंड कार तो मिली गई है। एंड यहाँ पे आ चुका है ड्रॉप, और ड्रॉप पे देख सकते हो यहाँ पे आपको मिसाइल लॉन्चर मिल जाता है, जो कि आपको पबजी मोबाइल पे RPD में मिलता है, मतलब कि जॉम्बी मोड पे, वो चीज़ आपको एक इसमें ड्रॉप के अंदर मिल रही है। तो ये देख सकते हो कितना सही लग रहा है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मैं जॉम्बी मोड ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, तो इसलिए ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है इस मिसाइल लॉन्चर के साथ, और सही लग रहा है यार। ये पीछे देखो बॉट आ गया है। एंड अब मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे गेम खेल के, ज़्यादा बकवास नहीं था मेरा एक्सपीरियंस के साथ। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप जब भी किसी एनिमी पे एम करोगे ना,
तो वो जो मतलब गन है वो उसी पे ही फिक्स्ड रहेगी। जैसे आप क्या करते हो, अगर नॉर्मल गन चलाओगे तो वो क्या होती है, हल्की सी ऊपर जाती है, बट इसमें क्या है कि वो एनिमी पे ही फिक्स रहेगी। अब शूट करते तो वो हल्का सा भी एनिमी लेफ्ट होगा तो गन भी अपने आप लेफ्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ है इसके अंदर, एक बग कह सकते हो आप इसका। और साथ ही साथ में अभी जितने भी मैच खेले मैंने, सब में चिकन विनर आया है और सब में 15 से 20 के आसपास के ही मेरे किल्स थे। एंड जितने भी मैंने 15 से 20 के अंदर जितने भी बंदे मारे वो सारे के सारे बॉट्स थे। मतलब इवन जो लास्ट का बंदा बचा था ना, उस वो भी बॉट ही था। तो ये एक और चीज़ है इसका, या बग कह सकते हो, या फिर इसमें अभी ज़्यादा बंदे आए नहीं हैं खेलने के लिए, तो ये एक और चीज़ है। और साथ ही साथ में आप इसमें जो है अपनी फ्रेंड्स को आई थिंक नहीं ले सकते जो पबजी मोबाइल खेलते हैं, वो पबजी लाइट वाले प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते, आप दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते इस गेम के ऊपर। तो ये एक इसका आप कौन ले सकते हो। और क्या बताऊँ यार, और यही चीज़ थी, साथ में बस थोड़ा मैप चेंज कर दिया है। और हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया कि इसके अंदर आपको जो है पबजी मोबाइल में क्या होता है, 100 प्लेयर्स मिलते हैं आपको, 100 प्लेयर्स का पूरी बैटल होती है, बट ये जो है ये आपकी 60 प्लेयर्स की बैटल है। इसमें आपको 60 प्लेयर्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी आपको मेरा लोगो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरी स्क्रीन वीडियो देख लो, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहेगी। और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर फॉलो कर दो, उसमें लिंक मिलेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर देना। सो हियर दीपांशु साइनिंग ऑफ, थैंक यू।